नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में है और आज 20 मार्च 2024 हो चुकी है। आलू में क्या पोजीशन बन रही है, कितनी आवक देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। देख सकते हैं आलू तो चलिए जान लेते हैं आज का ताजा अपडेट। कैसे हो सर? बढ़िया। तो सर आलू में क्या बाजार देखने को मिला? बाजार वही कल वाला ही, 11 रुपए से लेकर 14 रुपए तक, 11 से 14 का बाजार रह गया है सर। ऊपर में कोई एक आध लॉट, 15 रुपए बिका, एक आध लॉट बिका है, कोई बहुत ज्यादा बढ़िया से किसान में। अच्छा जी, वो बिका। तो कहीं ना कहीं डाउन है सर, डाउन यू है, देखो लगातार गाड़ी कम नहीं हो रही है। कल 135 गाड़ी थी, अच्छा जी, परसों 110 गाड़ी थी, आज भी 100 गाड़ी हो गई। आज भी 100 गाड़ियां हैं सर, तो आवक बहुत ज्यादा है, उसी की वजह से है। इसलिए इसके त्योहार में कुछ लोगों को पैसे की जरूरत है, किसानों को, जो खुद गए हैं वो सोच रहे हैं हमारे स्टोर नहीं रखना है, तो भाई मंडी ठीक चल रही है तो मंडी बेच कर पैसा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके हिसाब से अभी और कितना टूटेगा बाजार? नहीं, अब टूटने नहीं चाहिए बाजार, क्योंकि जिस हिसाब से आवक अब लगातार बढ़ेगी, अभी 5-10 ये होली तक लग रहा है आपको, टूटेगा नहीं बाजार। अच्छा जी, ये टेम्परेरी है। बिल्कुल, वहाँ तो अभी भी वही जर्सी स्टोर वाले खरीद रहे हैं, वह भी 15-16 से कम नहीं बिका। अच्छा जी, अच्छा, ये टेम्परेरी है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा तेजी है, 25 पहुंच जाएगा, वो नहीं लग रहा है, 20 से कम नहीं जाएगा स्टोर, 20 से ही खुलेगा। और वो होली के कुछ दिन बाद, अब तक 10 दिन 20 बिक जाएगा, मंडी भी हो जाएगा, 18-20 हो जाएगी, हो जाएगा वापस, हो जाएगा। तो सर ये आवक जैसे कंट्रोल होगी तभी पता लगेगा सर? कंट्रोल हो जाएगी, ये तो क्या है कि कुछ दिन ये होली तक ही मामला चल रहा है। अच्छा जी, और उसके बाद वही क्या, माल भी करीब करीब खुदाई हो चुकी है, ज्यादा माल नहीं रहा है। अच्छा जी, 10-15% माल खुदने के लिए रह गए हैं और स्टोर हमें अभी खाली है। कोई कोई जिनकी गुडविल बढ़िया है वो भर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर स्टोर मेरे ख्याल में 70-80 के बीच में रहेंगे। अच्छा। 70-80% रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाजार 20 से कम बिकेगा नहीं, 18-20 बिकता रहेगा। तो आज आपके पास कितनी गाड़ियां थी सर? हमारे पास 4-5 गाड़ी। तो सेल हुई है या फिर सर बिक गया सब? ये रह गया, थोड़े से कट्टे रह गए। अच्छा जी, ये सामने है, ये 12 रुपए बिका, इसमें चेचक है। अच्छा जी, हाइब्रिड भी है, थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा चेचक भी है इसमें। अच्छा जी, ये 12 रुपए बिका। अच्छा जी, और ये क्या चल रहे हैं? ये तो किर्री है, तो 5 रुपए बिकती है, हल्की है, जाली भी है। अच्छा जी, गुल्ला जैसे मोटा थोड़ा, वो 8 से 10 रुपए बिक रहा है। बहुत बढ़िया। और सर लाल वाला आलू क्या चल रहा है? लाल आलू बढ़िया 17-18 बिक रहा है, होलैंड वाला। अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है सर? कोई कमी नहीं है उसमें, ना गिरावट देखने को मिल रही है? ना, हल्के माल वही 15-14-15, बढ़िया माल 17-18। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये है कि इसमें माल भी कम आ रहा है, वो बिल्कुल माल भी कम आ रहा है और वो कम बिक भी नहीं रहा है। सफेद आलू आवक के ज्यादा के आवक ज्यादा है, लेकिन हाँ ये भी समझो अगर टोटल माने 2 रुपए गिरावट आई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 दिन में 2 रुपए गिरावट आई है। बिल्कुल, शनिवार तक गिरावट नहीं थी, सोमवार मंगल, शनिवार को माल ज्यादा था लेकिन शनिवार माल बिक गए थे करीब। तो सर अच्छे माल में भी गिरावट देखने को मिली? हाँ, अच्छे माल में 1 रुपया है। अच्छा जी, हल्के में 2 रुपए, 2 रुपए हो गई है। जो जो माल 16 बिक रहे थे ना वो 15 का बिक रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि ज्यादातर तो 12 से लेकर 14 के बीच बिक रहा है। अच्छा जी, 13-14, 13-14 ज्यादा बिक रहे हैं, हल्के माल है वो 12 के आसपास, ज्यादा हल्का वो 11 के आसपास। तो 37-97 क्या बिका? बढ़िया माल वही 14-15 के बीच में बिका है। और सर हल्के माल 37 में वही 13 के माल बिक रहे हैं। अच्छा जी, उसमें कलर कम है या ग्रेडिंग सही नहीं है, वो 13-14, और सुपर माल जो VIP डबल VIP माल बोलते हैं इसको, वो 14-15 के बीच में, 14-15 के आसपास। बाकी हाइब्रिड तो सर, ये हाइब्रिड ज्यादातर यही 12-13 बिक रहे हैं, यानी टोटल माने तो 12-13 ज्यादा बिक रहे हैं और अच्छे माल 14 से कम नहीं बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आगे संभावना अच्छी दिख रही है सर? संभावना कोई घबराए नहीं किसान, मेरा कहना यही है आराम से निकालें, जल्दबाजी नहीं करें। आलू पुनः 18 से 20 रुपए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मंडी में बेचेंगे 18-20। बिल्कुल, और कोल्ड भी 20 रुपए खुलेगा, 18-20। बहुत बढ़िया, अगर ज्यादा घबराएंगे। अच्छा, एक तो हल्के माल है, जैसे चेचक वाले ज्यादा माल को नहीं ले रहा है। बिल्कुल, और जो स्टोर भी रखने बेकार है वो माल ज्यादा आ रही है। बिल्कुल, एक तो माल वो आ रहा है, दूसरा क्या है कि माल बल्क में आ गया। बिल्कुल सर, अगर यही 60-70 गाड़ी आती तो बाजार वो टिका रहता। बिल्कुल, एक दिन ज्यादा आने फर्क नहीं पड़ता है, लगातार लगातार ज्यादा है। यहाँ 135 गाड़ी थी जिसमें 18 बैलेंस रहेगी थी, कल काफी माल बिका। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, कोल्ड वालों ने कल माल खरीदा था, 10,000 कट्टे तो इसी कोल्ड में कल कल चले गए हमारी मंडी में। अच्छा जी, हाँ बहुत बढ़िया सर। तो ये जो कोल्ड में, इसमें तो बढ़िया क्वालिटी का जाता होगा सर? नहीं नहीं, कोल्ड में तो बढ़िया भी जा रहा है, कुछ किसान आए उनको सोच क्या है हमारे 15 बिकेगा, अच्छा उनका 13 बिक रहा है। अच्छा जी, वो सोच रहे हैं भैया मैं क्या है महीने, क्यों मंथली लेते हैं ना किराया? अच्छा, ये मंथली लेते हैं, मंथली हो रहा है, महीना निकाल जाऊंगा। अच्छा जी, कुछ किसान रखे, कुछ ने खरीद के भी रखा है।
अच्छा जी अच्छा, तो वो भी रख जाते हैं। जैसे उनको सोचा भाई बेचने ला जाऊँ तो इतना बुरा भी नहीं है। जैसे मेरे अभी एक किसान रख गया, वो 13.5 में नहीं बेचा उसने, अच्छा जी, बोला मेरा वही बिक रहा था 14.5 में, तो मैं तो रख के जाऊंगा। कल एक गाड़ी रख गया वो, अच्छा जी, बोला महीने या दो महीने निकल जाऊंगा। बिल्कुल, किराया मतलब कमीशन लगा नहीं उसका। बिल्कुल, ग्राहक लेगा तो कमीशन लगेगा यहाँ। बिल्कुल, यहाँ किराया कितना होता है सर कोल्ड स्टोर? यहाँ देखो मंथली यहाँ पर 2500 महीना है। अच्छा जी, 20 रुपए लोडिंग का लोड लेते हैं। अच्छा जी, जो एक बार लगती है, यानी मोटा मोटी मान लो पहले महीने का 45 रुपए कट्टा, फिर 25 रुपए कट्टा लगेगा। अच्छा जी, यानी एक महीने निकालता है तो 45 रुपए, दो महीने निकालता है तो 65 और 25 70 रुपए, ऐसे ही हर महीने 25 रुपए महीना किराया। हाँ तो सर ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, जल्दी निकालना है। भाई अभी लग रहा है थोड़ा मध्य लग रही है, महीने बाद सही होगा, बिल्कुल होगा। महीने के बाद आलू वही स्टोर से 20 से कम नहीं बिकेगा, हल्के वाले 18, बढ़िया माल 20 रुपए बिकेगा। चलो जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो अपना मोबाइल नंबर फर्म का नाम? 9214055551, शिवशान कंपनी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर, आप धन्यवाद।